अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं, थोड़े एडवेंचरस हैं, पहाड़ों पर चढ़ना, उनसे बातें करना, प्रकृति की गोद में शांति ढूंढना, ऐसे वादियों से घिरे खुले आसमान के नीचे आप भी चाहते हैं अपनी तस्वीरें खिंचवाना, तो चले हमारे साथ एक ऐसे ही सफर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। बिहारी विहार के आज के इस सेगमेंट में हम ले चलेंगे बिहार की राजधानी पटना से 122 किलोमीटर दूर नवादा स्थित कौवा कोल के सफर पर, जहां आपको रोमांचित करने के लिए कौवा कोल के पहाड़ ही काफ़ी हैं। यहां के प्राकृतिक नज़ारा कुछ इस तरह लोगों को अभिभूत करती है कि जैसे बस यहीं पर बस जाएं। कौवा कोल स्थित पहाड़ के बड़े बड़े चट्टान मानो कभी भी आपके ऊपर गिर सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं, ये आप पर गिरते नहीं हैं, साथ ही ये पहाड़ आपके साथ बोलता भी है। नवादा जिला मुख्यालय से तकरीबन 41 किलोमीटर दूर कौवा कोल प्रखंड के तरौन गांव स्थित यह बोलता पहाड़ आपको और भी रोमांचित कर देगा जब यह आपसे बात करेगा। जंगलों के बीच मनोरम वादियों में स्थित इस पहाड़ के नीचे एक स्थान से कुछ बोलने के बाद वही आवाज़ लौटकर वापस आती है, इसलिए ही यहाँ के लोग इसे बोलता पहाड़ कहते हैं। यहाँ के चट्टानों पर इस पहाड़ का नाम बोलता पहाड़ लिखा हुआ है। यहाँ सालों भर पर्यटक इस पहाड़ की खूबसूरती देखने पहुँचते हैं। अगर आपको अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना हो, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि खूब जोर से बस चिल्लाओ, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट होगा। हालांकि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है जो कौवा कोल के आसपास हैं। दूर रहने वालों के लिए इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा। खैर, ये मजाक था, फोकस करते हैं इन पहाड़ों की खूबसूरती पर। यह इलाका प्रकृति की गोद में है, जिसकी खूबसूरती देखती ही बनती है। पर्यटन की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी इसका सौंदर्यीकरण कराया गया है। पहाड़ तक पहुंचने वाले मार्ग को सुदृढ़ किया गया है। साल के पहले दिन लोग इस स्थान पर पिकनिक का भी आनंद लेते हैं। आसपास के गांव के लोग यहां घूमने के लिए पहुंचते रहते हैं। पहाड़ के नीचे एक पॉइंट है जहां से बोलने पर आवाज़ आपकी लौटकर वापस आती है। उस पॉइंट को प्रशासन की तरफ से व्यवस्थित किया गया है। हरे हरे पेड़ पौधे झाड़ियाँ पहाड़ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। इस पहाड़ के चट्टान ऐसे हैं मानो प्रकृति ने इसे एक स्थान पर रख दिया हो, और ये हल्की हवा में भी आप पर कभी भी गिर सकती है। लेकिन ऐसा ना तो आज तक हुआ है और शायद ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि संसार में प्रकृति के दिए हर चीज़ की कोई ना कोई खास वजह है। इस पहाड़ की एक और भी बहुत बड़ी खासियत है, अगर आप इन पहाड़ों पर चढ़ाई करेंगे तो आपको यहाँ पर नीम और दूध कोरिया देखने को मिलेंगे। चलते चलते आप इन्हें दातुन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, ये भी मजाक था, आपकी मर्जी, मैंने आपको बस सजेस्ट किया है। इसके अलावा यहाँ जंगली प्याज सहित और भी बहुत सारे जड़ी बूटी के पौधे भी हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, जो पेट संबंधी रोगों के लिए अचूक दवा है। कौवा कोल के तरौन गांव में स्थित इस पहाड़ की खूबसूरती आपको कश्मीर की वादियों का एहसास दिलाएगी। अगर आप भी ऐसे ही जगह का कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कौवा कोल भी अच्छा ऑप्शन होगा, जरूर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।